हेलो गाइस, लिंबू वाला हेलो 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 गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम लोग एक नया फूड टेक्निक लेके आया हूँ। तो गाइस, आज हम लोगों ने, चारू ने डिसाइड किया है कि क्यों ना हम लोग एक नया और एक अनोखा कुकिंग स्टाइल से कुक किया जाए चिकन। तो गाइस, इसके लिए आज हम लोग एक नया स्टाइल लेके आया है, जो है चिकन रोस्टिंग इन स्टोन। चिकन इसमें रोस्ट किया गया है स्टोन पे, तो उसका आगे का प्रोसीजर मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो में दिखाएगा। आगे आगे देखते जाइए, काफ़ी मज़ेदार और धमाकेदार कुक किया गया है। तो गाइस, देखते हैं कि किस टाइप से कुक किया गया है इसको, और खाने वाला स्टाइल को भी देखिए गाइस, काफ़ी डेंजरस सिस्टम से खाते हैं हम लोग। तो गाइस, इसमें मिलू बासर कुछ अलग ही यूनिक फूड कुकिंग स्टाइल बनाने वाला है। तो चलिए गाइस, पूछ के देखते हैं उससे एक्चुअली क्या बनाना चाह रहा है। इसमें तो एक बहुत बड़ा पत्थर एक रखा गया है, क्या करने जा रहा है ये मिलू बासर? ये आपका ये चिकन हमें वो करेगा, रोस्ट करेगा हम। ये देखिए चिकन भी हमें, हम इसको रोस्ट करेगा। अभी जगह नहीं था तो अभी देखा गया, तो अभी कुछ पकाने का भी सामान नहीं है, बर्तन भी लेके नहीं आए एमरजेंसी में। अगर आप लोग के पास बर्तन वर्तन नहीं होने से भी इस टाइप से भी आप लोग कुक कर सकता है, जो काफी ये काफी नया स्टाइल है, मैंने भी कभी नहीं देखा। ग्रुप लिसनर से सिखाओ वॉइस। माइकल जैक्सन सिखाए, माइकल जैक्सन जैसे माइकल जैक्सन से सिखाया। अगर आप लोग भी अगर कुछ सामान वामान कहीं हाइकिंग पर जाते हैं, तो सामान अगर आपका भूल गया उनसे भी, आपका पास अगर माचिस और दाव और हमारा पास तो हमेशा होता है, ये भी हम लोग का अपना ट्रेडिशनल का लोकल ये है, चाकू है और दाव भी नीचे में पड़ा हुआ है। तो हमेशा कितना समय लगता है ये पकने के लिए? ये आपका पकने के लिए 10-15 मिनट लग जाएगा, आराम से इसको रोस्ट होने देते हैं। वैसे ये नया स्टाइल है, आप गरम गरम आराम से बैठ के हमें आराम से खा पी सकते हैं। अभी उपाय नहीं है ये, या फिर अभी बैठने का जगह नहीं है, यही पर हम लोग बैठेंगे सब। हमारा टीम 1, 2, 3, 4, 5 जोन है हमारे, तो अभी हम सब यहाँ बैठ के आराम से खाएंगे और पियेंगे। पेप्सी ज़रा कुछ लेके नया आइटम भी, पेप्सी है, मिरिंडा है और थोड़ा सा एक दो बियर लेके आया हुआ है। नया साल है, जनवरी का महीना चल रहा है यहाँ पे, हम लोग का नदी भी काफ़ी सूख चुका है, तो गर्म दिन को तो ये नदी बहुत भरा होता है, आप देखिए। और ये हमें व्यू भी लैंडस्लाइड हो चुका है, मगर व्यू बहुत सुंदर आ रहा है आपका। समय अपना है, कोई बड़ा बात नहीं है, मेहनत का फल मीठा होता है, ये तो मेहनत करना पड़ेगा तो आपको टेस्ट मिलेगा। नहीं तो आलसीपन का स्वाद तीता होता है, तीता होता है। गाइस, ये ऑलमोस्ट पक चुका है, अभी रेडी टू ईट हो गया। तो क्या आपने कभी इस टाइप का केरोई देखा है? अगर नहीं देखा है तो प्लीज कमेंट डाउन कीजिए। तो गाइस, ये है हम लोगों का टीम आज का। तो एक्चुअली गाइस, हम लोग हाइकिंग के लिए निकला हुआ था, तो आप लोगों के लिए भी हम लोगों ने वीडियो शूट करके दिखाऊंगा आप लोगों को भी। तो देखिए गाइस, काफ़ी डिलीशियस कुक किया है ये। तो गाइस, चिकन स्टोन में रोस्ट किया गया था, तो इसमें है रेड चिल्ली जो कि काफ़ी मज़ेदार से पीच पीच के इसमें बहुत ज़्यादा आइटम्स डाला हुआ है, टमाटर, कोरिएंडर, रेड चिल्ली, गार्लिक, ऑनियन, काफ़ी आइटम्स दे के चटनी भी बनाया गया है, लेमन, कैरेट भी काट रहे अभी, और ये पत्थर पे पकाया गया है।
काफ़ी डिलीशियस से पकाया गया है और ये कम से कम पकने में हाफ एन आवर्स लगा है, तो इसके लिए हमने वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ाया है। तो देखिए गाइस हम लोग किस तरह से खाते हैं। ये है पेप्सी एकदम रोशनी, ये लोकल ग्लास में बनाया गया, बहुत गर्म है। अरे हाँ तो चिंता बने, एकदम हर चीज रेडी है आपका। वाह गाइस, ये है ब्रॉक लेसनर स्टाइल चिकन रोस्टिंग, ये पत्थर का ऊपर में है और इसको ऐसे ही खाता है। अभी ये पेप्सी भी हमें है, आपका चटनी भी है और नींबू लिखना ना यहाँ, ये गरम गरम कहेगा। और आपका ये नहीं पता सब्जी भी है, जोंगली से खाना। और ये आपका हो गया, बहुत मेहनत किया है, अभी ठीक खाने का समय आ गया, तो इसे कैसे खाते हैं उसको आप लोग हम दिखाएगा। थोड़ा मीट को लिया जाए और ये आपका थोड़ा चटनी, या ये पूरा मुर्चा है, ये चटनी या डाला जाए। और ये है और काटी हो गई है, ये मीट है और ये है आपका नींबू। वाओ वाओ वाह, और कुछ नहीं और पार्टी हो रही है उसका भैया। अगर गाइस आप भी इसे खाना चाहते हैं तो प्लीज मिस कॉल कीजिए। मिस कॉल करने से लॉस हो जाएगा, आप भी मिस देखे हो अभी तो हम भी क्या बोलेगा, ये मेरा दोस्त मेरा यार कल बोला था चलो जाएगा, ऐसे में ख्याल है बहुत खाने मन है। और जो आइडिया दिया था मेरा भैया है अखमिल, पत्थर का ऊपर में पकाया वाला बहुत टेस्टी होता है बोला है, आज आके खाया है तो पता चला है असली का भी बहुत टेस्टी होता है। बढ़िया, मजा कर रहा है। अगर आप लोग को यहाँ में आना चाहता है तो ये चैनल का माध्यम से आप आ सकते हैं। और आप अरुणाचल का यहाँ व्यू भी देखिए, बहुत सुंदर है यहाँ में, खुला आसमान, खुला मैदान, हर चीज़ खुला ही खुला। और आपका ये गर्म गर्म बैठने का भी खा सकता है, हम लोगों के साथ में बैठ के खा सकता है और काफ़ी दोस्त है। और आपको हर चीज़ का आइटम मिलेगा, रोस्टिंग होया, बम्बू में पकाया वाला होगा, हर चीज़ का मिलेगा आपको। और आप लोग भी यहाँ का नोटिस का आदमी कैसे खाता पीता है, इसलिए उनका हेल्थ से लेकर हर चीज़ ठीक ठाक रहता है। खान पान अगर आपका अच्छा होगा तो आपका बदन भी ठीक रहेगा। मजा यहाँ बिल्कुल मसाला वसाला कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हल्दी है ना मीट मसाला है। आपका नमक मिर्चा प्याज लहसुन वो भी लोकल आइटम, ये है पिसनेला यहाँ पीसा हुआ है। नया टेक्निक इसको आपको है। ये देखिए गरम गरम, ऊपर से अभी विंटर का समय है, गरम गरम खाने के लिए एकदम बढ़िया है। जो रोस्ट करके इतना आग में जला के खाएगा, इतना रोस्ट करेगा। और ये पट्टा ही गाइस बहुत ही काफ़ी यूनिक है, इसको अरुणाचल में ही पाया जाता है ये पत्ता। देखने में तो लाई पत्ता जैसा दिखता है पर ये लाई पत्ता नहीं है, इसका स्मेल काफ़ी अलग आता है, काफ़ी अलग स्मेल है इसका। ये जंगल में ही इसको पाया जाता है। अच्छा भैया मत पूछो ना, कुछ बोलने के लिए नहीं है, आप समझ सकते हैं कितना टेस्ट है। मैं खाने में बिजी हूँ बाय द वे, ये एप्पल जूस है काफी टेस्टी है। जो मुर्चा खाने ला भी और मुर्चा नहीं खाने ला भी वो आज काफ़ी टेस्ट लगा है, तो आज वो और है क्या खाना का खाएगा बोला खाना को भी बना के रखा हुआ है वहाँ में बम्बू में, उसका अभी हम लोग यहाँ में चटनी खा रहे हैं, थोड़ा ब्रेक टाइम ले रहे हैं पेप्सी वेप्सी पी के, बाद में खाना को भी हम शुरू करेंगे। वाह बहुत ज़्यादा टेस्टी है, काफ़ी बढ़िया से डिलीशियस से पकाया गया है, कभी ऐसा मेरा खाया था बहुत बढ़िया है, वांस मोर कभी ऐसे खाया नहीं है लाइफ में, फर्स्ट टाइम है ऐसे एक्सपीरियंस लाइफ में, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है आज, जो मजा आज मिल रहा है ना, काफी मिक्स है आपका सब, अपना कजिन से भैया लोग है, पदीना है, फर्स्ट टाइम गया वो लोग के साथ में और ऐसा एक्सपीरियंस मिला है हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है।
उसके बाद पिया जाएगा ऐसा, उसके बाद थोड़ी सी नींबू डाल दिया जाए, उसका स्वाद चेंज हो जाएगा। वाओ 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 बहुत मजे, वाओ। उसका मुख को थोड़ा से आ करना अगर बहुत मजे, तमिल पान का जैसा। तो गाइस काफी जाल है और स्पाइसी भी काफी स्पाइसी है। सच में अगर आप लोगों को इस टाइप का फूड ट्राई करना है तो आप देख सकते हैं होल प्रोसीजर किस टाइप से बनाया गया है। और अगर आप लोगों को मिलु बासार का फूड कुकिंग स्टाइल अच्छा लगा और हम सब का खाने का स्टाइल अगर अच्छा लगा तो प्लीज गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना जरूर। थैंक यू गाइस, आता आता बाय बाय। अरे वेट, बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबाना। अरे वेट, बिस्कुट भी जरूर मारना। खाना चाहता है तो अगर इस फूड को मिस कॉल दे देना।